मलिष्का के बढ़ते पागलपन को देख किरण ने लगाया मलिष्का को जोरदार तमाचा। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे बलविंदर जो है जब किरण को मलिष्का की किडनैपिंग होने वाली जगह पर लेकर जाता है, किरण का पीछा जो है ऋषि के बाबूजी भी करते हैं। उनका किरण का पीछा करना केवल इस बात के लिए था, उनको लग रहा था कि कहीं मलिष्का के गुंडों ने उनसे कुछ फिरौती तो नहीं मांगी और हो सकता है किरण की जान भी खतरे में आ जाए। किरण जो है जब मलिष्का की किडनैपिंग वाली जगह पर पहुँच जाती है, वो तुरंत जो है मलिष्का को जोरदार तमाचा लगाती है उसकी इस हरकत के बारे में, जो है उसको बताती है कि जिसको पाने के लिए तुम ये सब कुछ कर रही हो, ये हरकत देखकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन मलिष्का के ऊपर जो है ऋषि को पाने का भूत इतना ज्यादा सवार है कि उसे अपनी माँ किरण की बात जरा भी समझ नहीं आती। साथ ही मलिष्का को जो है एक बड़ा झटका ये भी लगता है कि जब उसे पता चलता है कि लक्ष्मी को अरेस्ट नहीं किया गया है, और मलिष्का इस बात को सुनते ही और भी ज्यादा पागलों की तरह बिहेव करने लगती है और वो अपने आप को जो है नुकसान पहुंचाने लगती है। अपनी माँ को कहती है कि आप मुझे जोर से थप्पड़ मारिए। किरण जो है उसके कहने पर थप्पड़ तो मारती है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वो ऋषि को पाने के चक्कर में पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। वही लक्ष्मी को भी जो है अपने बारे में सोचने से ज्यादा मलिष्का की फिक्र हो रही थी कि किडनैपर ने उसके साथ क्या किया होगा। लक्ष्मी जो है ऋषि को कॉल करके मलिष्का की किडनैपिंग के बारे में बताने वाली थी कि ऋषि की जो है अर्जेंट कॉल आ जाती है और ऋषि जो है उसे बाद में कॉल करने के लिए कहता है। उधर ऋषि के बाबूजी भी जो है अंदर जहां मलिष्का ने अपने आप को किडनैप कर रखा है उस कमरे में एंट्री कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनका फोन बज जाता है और वो अंदर जाने से रुक जाते हैं। उधर लक्ष्मी के पास भी केवल 10 बजे तक का समय है अपने आप को बचाने के लिए। देखना ये होगा कि मलिष्का आखिरकार किस हद तक जाएगी लक्ष्मी को फंसाने के लिए। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।